कपूर परिवार बॉलीवुड का वो परिवार है जो हर खुशियों को साथ में एंजॉय करता है। घर के सभी मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होकर छोटी छोटी खुशियों को साथ में बांटते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आलिया भट्ट के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या आलिया भट्ट की कपूर फैमिली के सदस्यों के साथ बनती नहीं है? क्या यही कारण है कि कपूर खानदान का एक बहुत बड़ा ओकेजन हुआ जो कि साल में एक रूल की तरह फॉलो किया जाता है, लेकिन इस रूल को ना तो आलिया भट्ट ने फॉलो किया और ना ही रणबीर कपूर को फॉलो करने दिया, और ये रूल था क्रिसमस का। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस डे एक ऐसा फेस्टिवल है जब पूरी कपूर फैमिली एक साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है और साथ में खाना खाती है। इस बार भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि करीना कपूर शायद ही इस पार्टी में शामिल हो सके, लेकिन इस पार्टी से पहले ही करीना कपूर की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, जिस वजह से करीना कपूर इस पार्टी में शामिल हो सकी, जिससे पता चलता है कि करीना कपूर ने ठीक होने के तुरंत बाद ही इस ओकेजन को इग्नोर नहीं किया। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों इस ओकेजन में नजर नहीं आए। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही इस दौरान मुंबई में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने, जिस पर कई सारे सवाल भी किए गए। ये पार्टी ऋषि कपूर के घर पर की गई थी। इस साल क्रिसमस लंच शशि कपूर और जेनिफर कैंडल के बेटे कुणाल कपूर ने होस्ट किया था। क्रिसमस सेलिब्रेशन में करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर से लेकर तारा सुतारिया तक शामिल हुई। आपको बता दें कि इस पार्टी में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ साथ नीतू कपूर भी शामिल नहीं हुई थी, जिसके चलते कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कपूर खानदान में फूट डाल रहा है। तो वहीं कुछ और लोग कह रहे हैं कि जिस वक्त ये पार्टी थी उस टाइम आलिया भट्ट की फैमिली भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, और शायद यही वजह है कि रणबीर कपूर अपनी फैमिली को छोड़कर आलिया भट्ट की फैमिली का हिस्सा बने और क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, रणबीर कपूर को क्रिसमस पार्टी किस फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।